ठीक है चलो डाल दो हेडिंग ट्रांसफॉर्मेशन। अब ट्रांसफॉर्मेशन भी एक क्या है? तरीका है कि इक्वेशन निकालने का, जिसके रूट्स वहां पे गिवन रहेंगे ऐसे इक्वेशन निकालने का, वो एक तरीका है, एक शॉर्टकट तरीका ही है। तो क्वेश्चन लिख लो तुम, क्वेश्चन से ही समझ लेंगे इसको। इफ इफ रूट्स ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस 3x+1 इज इक्वल टू 0 आर अल्फा एंड बीटा देन फाइंड द इक्वेशन देन फाइंड द इक्वेशन हुज रूट्स आर फर्स्ट पार्ट में α+1 β+1, सेकेंड पार्ट में α² β² थर्ड पार्ट में 1/α 1/β फोर्थ पार्ट में α² + 1 β² + 1 फिफ्थ में जाएगा, चलो ये है और फिफ्थ में है α+1 एंड β-1। ठीक, एक तो तरीका है हमारे पास जो कि हमने देखा था कि इक्वेशन, अगर रूट्स हमें पता है तो उससे इक्वेशन लिखने का तरीका, वो क्या होता है x² - सम ऑफ रूट्स इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, इससे तो हम इक्वेशन लिख ही सकते हैं। ठीक, मतलब इसमें सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हम निकाल लेंगे। मैं ये कह रहा था इफ द रूट्स ऑफ इक्वेशन x² + 3x + 1 इज इक्वल टू 0 आर अल्फा बीटा देन फाइंड द इक्वेशन हुज रूट्स आर, ये पहले पार्ट में है α+1 β+1, सेकेंड में है α² β² थर्ड में है 1/α 1/β फोर्थ में ये एंड फिफ्थ में ये है। ये तो तरीका इसमें का एक पहला वाला पार्ट मेरे ख्याल से हमने लास्ट लेक्चर में देख लिया था कि हमने उसका ये निकाला था इक्वेशन इस तरीके से निकाला था, पहले सम ऑफ फ्रूट्स निकाल लिया, प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स निकाल लिया और उससे इक्वेशन लिख दिया। अब इसको करने का और एक तरीका है ट्रांसफॉर्मेशन, तो उसको हम आज देखने वाले। तो ट्रांसफॉर्मेशन में क्या करना तुम, जैसे पहला वाला ही हम करते हैं, हमें इक्वेशन चाहिए जिसके रूट्स α+1 एंड β+1 है। तो हम मान लेंगे इक्वेशन है हमारा y में इक्वेशन है, ऐसा एज्यूम करेंगे। तो एक रूट आ जाएगा यहाँ पे y1 α+1 एंड दूसरा रूट y2 β+1 आ जाएगा। अब यहाँ पे अल्फा एंड बीटा इसके रूट्स है, मतलब एक तरीके से वो स्मॉल एक्स की वैल्यूज है जो इसको क्या कर रही है, सेटिस्फाई कर रही है। ठीक है, अल्फा बीटा इसके रूट्स है, मतलब स्मॉल एक्स की वैल्यूज है जो इसको सेटिस्फाई कर रही है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे एक जनरल रिजल्ट निकाल लेंगे, वाई इज इक्वल टू x+1। एक्स की दो वैल्यूज है हमारे पास। अच्छा आवाज क्लियर नहीं है क्या? एक मिनट में वीडियो बंद कर देता हूँ, मैं भी उससे वजह से हो रहा होगा, वीडियो ऑफ कर देता हूँ। अब आ रही है आवाज? यस सर। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमारा इक्वेशन माना y में, तो उसका एक रूट y1 एंड एक रूट y2 आ गया। ठीक, तो इन्हीं दोनों से मिला के हमने क्या लिख लिया, y में और x में एक रिलेशन ले आया, y इज इक्वल टू x+1, क्योंकि ये अल्फा बीटा किसकी वैल्यूज थी, x की वैल्यूज है, और ये y1 y2 रूट से, मतलब y में क्वाड्रेटिक हम मान रहे, तो वो वैल्यूज किसकी है, y की है। ठीक, तो ये आ जाएगा, तो x की जगह पे अल्फा पुट करेंगे तो हमें y1 मिलेगा, बीटा पुट करेंगे तो y2 मिलेगा। तो मेन पर्पस हमारा x और y में रिलेशन लाना होता है, ये हमने लाया। अब यहाँ से हम x की जगह पे क्या लिख सकते हैं, y-1। अब इस x को उठा के पुट कर देंगे हम किसमें, इस इक्वेशन में, इसमें वो x पुट कर देंगे हम, तो देख लो वो क्या बन जाएगा यहाँ पे y-1 का होल स्क्वायर प्लस
plus 3 into y minus 1 plus 1 is equal to 0. तो ये आ जाएगा. अब उसके बाद सिंपली y को x से रिप्लेस कर देना. ऊपर की चीजें आप सोचना मत. ये जो आया y में हमने इक्वेशन ले आया एक. अब उसके बाद सिंपली फाइनल स्टेप में क्या करना, y को x से रिप्लेस कर देना. ठीक है, तो ये जो इक्वेशन रहेगा इसके रूट्स रहेंगे यहाँ पे अल्फा प्लस वन एंड बीटा प्लस वन. तो स्टेप्स क्लियर है. हमने पहले इक्वेशन माना y में, तो y1 y2 उसके दो रूट्स आ गए. तो यहाँ पे y1 अल्फा प्लस वन एंड y2 बीटा प्लस वन. यहाँ पे अब एक शॉर्टकट तरीका है. ठीक है, क्या हम क्वाड्रेटिक मान रहे किसमें, y में मान रहे, तो उसके दो रूट्स रहेंगे, एक तो y1 रहेगा और एक y2 रहेगा. ठीक, ऐसा हो गया. तो हमें गिवन है क्वेश्चन में कि अल्फा प्लस वन एंड बीटा प्लस वन है वो दो रूट्स. तो y1 अल्फा प्लस वन, y2 बीटा प्लस वन. तो हम और x और y में रिलेशन लेके आ गए. अल्फा बीटा x की वैल्यूज थी और y1 y2 y की वैल्यूज थी. तो इस तरीके से हमें y और x में एक रिलेशन मिलेगा. उसके बाद हमने क्या किया, x इज इक्वल टू लिखा y माइनस वन, और उस x को उठा के जो x में इक्वेशन था, ये वाला जो इक्वेशन है, इसमें पुट कर दिया, पुट कर दिया. उसके बाद ये आया एंड फाइनली सिंपली y को x से रिप्लेस कर दिया. इतना करना है. ठीक है, एक शॉर्टकट तरीका है ये ट्रांसफॉर्मेशन. मींस वैसे करने का तो बेसिक तरीका क्या था, अगर मेथड से जाना है तो सम ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालेंगे और उसको वहां पे पुट कर देंगे. लेकिन ये अभी हम सीख लेंगे ये वाला तरीका. तो जो क्यूबिक इक्वेशन है उसमें भी सेम क्वेश्चंस बनते हैं, तो उसमें बहुत आसानी से वहां पे हम डील कर सकते हैं ट्रांसफॉर्मेशन से उन क्वेश्चंस को. तो रिपीट करना है क्या और एक बार, या क्लियर हो गया? स्टेप्स बस क्लियर होने चाहिए कि कैसे आगे अप्रोच करना है. तो यहाँ पे मैं ये कह रहा था, हमें क्या चाहिए, इसके रूट्स अल्फा बीटा है. हमें इक्वेशन चाहिए जिसके रूट्स क्या है, अब हमें इक्वेशन चाहिए जिसके रूट्स क्या, अल्फा प्लस वन एंड बीटा प्लस वन है, ऐसा इक्वेशन चाहिए था. तो हमने इक्वेशन माना वो किसमें है, वाई में इक्वेशन है. तो उसके रूट्स रहेंगे वाई वन वाई टू ऐसे, मतलब वाई वन हो जाएगा अल्फा प्लस वन, वाई टू हो जाएगा बीटा प्लस वन. ठीक, यहाँ पे अल्फा बीटा किसकी वैल्यूज है, स्मॉल एक्स की वैल्यूज है जो इसको सेटिस्फाई कर रही है. तो हमने इन दोनों से मिलके क्या लिखा, ये लिख दिया. यहाँ पे अल्फा बीटा एक्स की वैल्यूज थी, y1 y2 y की वैल्यूज थी. इसका मतलब क्या है, सीधा सीधा x जगह पे हम अल्फा पुट करेंगे तो हमें y1 मिलेगा, x की जगह पे बीटा पुट करेंगे तो y2 मिलेगा. तो इन दोनों से हमने ये लिख दिया. अब इसके बाद x इज इक्वल टू आ जाएगा y माइनस वन, और इस x को उठा के यहाँ पे पुट कर देंगे. तो यहाँ पे जब हम पुट कर देंगे तो जो आएगा इक्वेशन ये वाला आ जाएगा y में. एंड फाइनली सिंपली y को x से रिप्लेस कर देना. ये करना, ये मत सोचना कि y इज इक्वल टू ये था तो फिर से वो पुट कर देंगे, तो ऐसा नहीं. क्योंकि अगर तुमने ये पुट कर दिया y की जगह पे x प्लस वन, तो वही इक्वेशन बन जाएगा, सेम इक्वेशन जिसके रूट्स अल्फा बीटा है. तो फाइनली y को सिंपली x से रिप्लेस कर देना है. ठीक है, और एक क्वेश्चन मैं करके दिखा देता हूं. इसका दूसरा क्वेश्चन देखो, उसमें क्या था, अल्फा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर. तो y1 is equal to alpha square आ गया and y2 is equal to beta square. तो यहां से y और x में क्या रिलेशन आ जाएगा, y is equal to x square. ठीक है, तो x is equal to आ जाएगा plus minus under root y, plus minus under root y. तो इसमें से कोई एक ले लेना, दोनों में से किसी एक की जरूरत पड़ेगी, या तो plus under root y या तो minus under root y ले लेना, और उसको इस इक्वेशन में पुट कर देना. ठीक है, तो हमने पुट कर दिया, तो पहला आ जाएगा अंडर रूट वाई का स्क्वायर प्लस अंडर रूट वाई लेके चल रहे हम, थ्री इंटू अंडर रूट वाई प्लस वन इज इक्वल टू जीरो. तो ये वाई प्लस थ्री इंटू अंडर रूट वाई प्लस वन इज इक्वल टू जीरो. अभी ये इक्वेशन नहीं है, इक्वेशन होने के लिए क्या होना जरूरी है, सब पावर्स होल नंबर होनी चाहिए. तो इसको होल नंबर लाने के लिए हमें जो करना पड़ सकता वो करेंगे हम. तो यहाँ पे स्क्वेयर करने की जरूरत है,
तो हम क्या करेंगे, y प्लस वन और इसको इधर लेके आ जाएंगे। अब हम दोनों तरफ क्या कर देंगे, स्क्वेयर, क्योंकि उससे क्या हो जाएगा, ये इरेशनल पावर हट जाएगी, मतलब 1/2 वाली पावर हटेगी और पावर होल नंबर आएगी, फ्रैक्शनल पावर हट जाएगी और पावर होल नंबर आएगी, उसकी वजह से स्क्वेयर कर देंगे। तो ये देख लो क्या हो जाएगा यहाँ पे, y प्लस वन का होल स्क्वेयर 9y, तो ये आ जाएगा y स्क्वेयर प्लस 2y प्लस 1 इज इक्वल टू 9y, तो इधर लेके आ जाएंगे तो y स्क्वेयर माइनस 7y प्लस 1 इज इक्वल टू 0, एंड सिंपली अब y को x से रिप्लेस कर देंगे, तो ये जो इक्वेशन है इसके रूट्स क्या रहेंगे यहाँ पे, अल्फा स्क्वेयर एंड बीटा स्क्वेयर, ठीक है। यहाँ पे तो देखो ये इक्वेशन ही बन गया है, इसको जब हम एक्सपांड करेंगे तो y की सारी पावर्स कैसी है, होल नंबर है, तो ये इक्वेशन है, तो इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं, हमें सिंपली y को x से रिप्लेस कर देंगे। लेकिन यहाँ पे हमने x की जगह पे ये अंडर रूट y पुट किया, तो वो इक्वेशन नहीं बन रहा था y में, तो इक्वेशन मतलब क्या, पावर्स होल नंबर होनी चाहिए थी, तो होल नंबर लाने के लिए हमने स्क्वेयर कर दिया, अंडर रूट को उधर लेके गया और स्क्वेयर कर दिया, तो अब ये इक्वेशन आ गया, एंड फाइनली सिंपली y को x से रिप्लेस कर दिया। तुम सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स से भी देख सकते हो, सेम ही इक्वेशन आने वाला है। लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन भी हमें सीखना जरूरी है, क्योंकि उसका एप्लीकेशन बाद में है, कहाँ पे, क्यूबिक इक्वेशन में। क्यूबिक इक्वेशन में ट्रांसफॉर्मेशन से बहुत इजीली क्वेश्चन बन जाता है। सर पहली स्क्रीन दिखाओ ना, पहली स्क्रीन ये देख लो, और एक चीज, ट्रांसफॉर्मेशन हर एक केस में एप्लीकेबल नहीं है। ट्रांसफॉर्मेशन तभी एप्लीकेबल है जब रूट सिमेट्रिक होंगे। सिमेट्रिक मींस कैसे, जो ऑपरेशन अल्फा के ऊपर हो रहा है वही ऑपरेशन बीटा के ऊपर होना चाहिए, ऐसे रूट्स। जैसे यहाँ पे अल्फा प्लस वन बीटा प्लस वन, अल्फा स्क्वेयर बीटा स्क्वेयर, वन अपॉन अल्फा वन अपॉन बीटा, यहाँ पे अल्फा स्क्वेयर प्लस वन बीटा स्क्वेयर प्लस वन, ऐसे रूट्स होने चाहिए। यहाँ पे देख लो अल्फा प्लस वन एंड बीटा माइनस वन, क्या ये सिमेट्रिक है क्या? नो सर, नहीं है ना। तो इसमें यही वाला तरीका जो बेसिक तरीका है, सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, इसी से जाएंगे। वैसे ये तो सब में एप्लीकेबल है, ठीक है, लेकिन जब रूट सिमेट्रिक होते हैं उसमें हम ट्रांसफॉर्मेशन भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, दोनों से आंसर आ जाएगा वहां पे। तो तीसरा करो, 1 by alpha and 1 by beta, और equation बताओ क्या आएगा। सही है question, और किसी का, ऐसा इक्वेशन जिसके रूट्स 1 बाय अल्फा एंड 1 बाय बीटा है। और किसी का आया थर्ड, रूट्स 1 बाय अल्फा एंड 1 बाय बीटा। तो देख लो यहाँ पे,
y1 is equal to 1 by alpha, y2 is equal to 1 by beta. तो यहाँ पे y is equal to 1 by x, तो x is equal to कितना आ जाएगा 1 by y. तो जो x में equation है उसमें इसको हम put कर देंगे, तो वो आ जाएगा 1 by y square plus 3 by y plus 1 is equal to 0. अभी ये equation नहीं है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे power minus 2 है y की, ऊपर जब जाएगा तो power minus 2. पावर होल नंबर लानी तो हम यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे. तो ये देख लो, 1 प्लस 3y प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू, ये अपॉन में फिर क्या रहेगा, y स्क्वायर रहेगा इज इक्वल टू 0. ये y स्क्वायर इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना तो आ जाता है y स्क्वायर प्लस 3y प्लस 1. एंड सिंपली अब y को x से रिप्लेस कर देंगे तो ये आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1. सेम इक्वेशन बना, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है. इसका मीनिंग क्या रहेगा, जो हमारा इक्वेशन है वो x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, उसके जो रूट्स रहेंगे वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल से. तो ये आ गया थर्ड. फोर्थ करना, फोर्थ में रूट्स है अल्फा स्क्वायर प्लस 1 एंड बीटा स्क्वायर प्लस 1, ये रूट्स है. एंड फिफ्थ एक्स स्क्वायर प्लस, सही है ओजस कौशल, फोर्थ वाला सही है तुम लोगों का. क्वाड्रेटिक में दोनों से जा सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है ज्यादा. ट्रांसफॉर्मेशन से भी जा सकते हो एंड फिर उसके बाद उससे भी जा सकते हो, जो बेसिक तरीका है सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स. लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन अगर हमने अभी सीख लिया इसमें तो क्यूबिक में उसको इजीली अप्लाई कर पाएंगे, क्योंकि क्यूबिक में ट्रांसफॉर्मेशन ही बेस्ट है. हाँ सही है आर्य, फोर्थ का एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 9. तो फोर्थ देख लो यहाँ पे, ये वाला हो गया थर्ड. थर्ड बाकी किसी का लिखना, ठीक है. फोर्थ में देखो अब यहां पे क्या है, y1 इज इक्वल टू है अल्फा स्क्वायर प्लस 1 एंड y2 इज इक्वल टू है बीटा स्क्वायर प्लस 1. क्या हम यहाँ पे y1 को माइनस 3 अल्फा लिख सकते हैं क्या, बताओ. ये x square plus 3x plus 1, इसके रूट से अल्फा बीटा, मतलब वो इसको क्या करेंगे satisfy. तो ये देखो बीटा स्क्वायर प्लस 3 बीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0. तो अल्फा स्क्वायर प्लस 1 की जगह पे हम माइनस 3 अल्फा लिख सकते हैं एंड बीटा स्क्वायर प्लस 1 की जगह पे माइनस 3 बीटा. तो ये यूज करने से क्या हो जाएगा, और इजीली कैलकुलेट हो जाएगा, फिर उसमें स्क्वायर वगैरह करने की जरूरत नहीं है हमें. तो ये देख लो अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू माइनस 3x आ गया. तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस y बाई 3, और उठा के पुट कर देंगे तो वो आ जाएगा y स्क्वायर बाई 9 माइनस y प्लस 1 इज इक्वल टू 0. तो ये देख लो y स्क्वायर माइनस 9y प्लस 9 इज इक्वल टू 0. तो ये आ जाता है x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 9, हो गया, ठीक है. ऐसे भी जा सकते हो, इसमें क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, फिर x इज इक्वल टू क्या पुट करना पड़ेगा, अंडर रूट y माइनस 1. आंसर इससे भी सेम ही आएगा, बट लेकिन इसमें स्क्वायर वगैरह करना पड़ेगा एक तरफ ले जाके. उससे बढ़िया तो ये है, इससे और इजीली आ गया, ठीक.
अब फिफ्थ में तो हम ट्रांसफॉर्मेशन नहीं लगा सकते क्योंकि उसमें रूट सिमेट्रिक नहीं है, एक रूट है अल्फा प्लस वन, दूसरा रूट है बीटा माइनस वन, तो ये दोनों रूट सिमेट्रिक नहीं थे तो इसमें ट्रांसफॉर्मेशन नहीं लगेगा फिफ्थ में, तो उसको तो बेसिक तरीके से ही जाना पड़ेगा। तो ये लिख लो जल्दी से, हो गया फोर्थ। यस ठीक है, फिफ्थ देखो। अब फिफ्थ में क्या है, एक रूट अल्फा प्लस वन है एंड दूसरा रूट बीटा माइनस वन, तो सम ऑफ रूट्स निकाल लेंगे हम, सम ऑफ रूट्स, तो सम ऑफ रूट्स क्या आ जाएगा, अल्फा प्लस वन प्लस बीटा माइनस वन, अल्फा प्लस बीटा एंड यहाँ पे ये एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, इसके रूट्स अल्फा बीटा थे, तो यहाँ पे देखो अल्फा प्लस बीटा कितना है माइनस थ्री एंड अल्फा इंटू बीटा कितना है वन है, तो अल्फा प्लस बीटा माइनस थ्री आ जाएगा, तो सम ऑफ रूट्स इसमें भी माइनस थ्री, फिर उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इसका मीन्स ये क्या रहेगा, इसका मतलब अल्फा प्लस वन इंटू बीटा माइनस वन, तो इनको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो अल्फा बीटा माइनस अल्फा प्लस बीटा माइनस वन, तो ये अल्फा प्लस बीटा कितना है वन है, तो ये वन यहाँ पे बीटा माइनस अल्फा और ये माइनस वन, ये दोनों कैंसल आउट हो जाएंगे। अब यहाँ पे ये बीटा माइनस अल्फा मीन्स डिफरेंस ऑफ रूट्स एंड डिफरेंस ऑफ रूट्स क्या होता है अंडर रूट डी बाय ए, तो अंडर रूट डी मीन्स कितना हो जाएगा यहाँ पे नाइन माइनस फोर अपॉन वन, तो ये आ जाएगा यहाँ पे अंडर रूट फाइव, तो ये जो इक्वेशन आने वाला है वो क्या आएगा यहाँ पे एक्स स्क्वेयर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, तो ये इक्वेशन रहेगा एक्स स्क्वेयर प्लस थ्री एक्स प्लस रूट फाइव इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, क्योंकि बीटा माइनस अल्फा डिफरेंस ऑफ रूट्स है और वो होता है अंडर रूट डी बाय ए, अंडर रूट डी बी स्क्वेयर माइनस फोर ए सी अपॉन ए, तो बी स्क्वेयर माइनस फोर ए सी फाइव आता है, तो ये अंडर रूट फाइव अपॉन वन, तो अंडर रूट फाइव, तो ये वो इक्वेशन रहेगा जिसके रूट्स क्या है अल्फा प्लस वन एंड बीटा माइनस वन। तो जो जब रूट सिमेट्रिक नहीं रहेंगे तब तो ट्रांसफॉर्मेशन नहीं लगेगा, तो यही बेसिक तरीका है। और ये जो तरीका हमने अभी लिखा है फिफ्थ में वो सब में एप्लीकेबल है, पीछे जितने भी हमने चार देखे सभी में कर सकते हो, इसी से आंसर निकाल सकते हो। तो ट्रांसफॉर्मेशन के स्टेप्स वो हमें पता होने चाहिए, पहले वाई और एक्स में रिलेशन लाएंगे, एक्स को वाई के टर्म्स में रिप्रेजेंट करेंगे और उसको जो x में इक्वेशन है वहां पे पुट कर देंगे, फिर उसके बाद अगर वो इक्वेशन है तो अच्छी बात है, इक्वेशन नहीं है मीन्स पावर होल नंबर नहीं है, तो पावर होल नंबर लाने के लिए जो भी करना पड़ सकता है वो करेंगे, स्क्वेयर करना पड़े स्क्वेयर करेंगे, क्यूब करना पड़े क्यूब करेंगे और पावर होल नंबर लाएंगे, फिर उसके बाद सिंपली जो वाई में इक्वेशन है वहां पे वाई की जगह पे एक्स पुट कर देंगे लास्ट में। ठीक है, कोई डाउट किसी को? चलो ठीक है, तो ये हो गया ट्रांसफॉर्मेशन। ये सारी चीजें एक तरीके से किससे रिलेटेड है, रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोएफिशिएंट्स। अब उसके बाद है नेचर ऑफ रूट्स, लेकिन उसके पहले हमें इनइक्वलिटी सॉल्व करना आना चाहिए, मेथड ऑफ इंटरवल आता है क्या तुम लोगों को, वेवी कर्व मेथड या मेथड ऑफ इंटरवल?
चलो ठीक है, क्योंकि ये बहुत जरूरी चीज है आगे, मेथड ऑफ इंटरवल। भले इसके ऊपर क्वेश्चन ना आए डायरेक्ट, लेकिन इसका यूज तुम्हें लगभग हर टॉपिक में मिलेगा, इनइक्वालिटी। तो ये हो गया। चलो ठीक है, बाकी है तो बता दिया करना। सर हाँ, 1 मिनट, प्रोडक्ट ऑफ, प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट रिपीट कर देना। हाँ, जैसे ये दो इक्वेशन है, कैसे मल्टी, जैसे नॉर्मल तुम मल्टीप्लिकेशन करते हो इक्वेशंस का, ये अल्फा इंटू बीटा, फिर अल्फा इंटू -1, फिर 1 इंटू बीटा, 1 इंटू -1, ये आ जाएगा। ठीक है, अल्फा बीटा कितना है, 1 है, तो ये 1 1 गया। अब यहाँ पे बीटा माइनस अल्फा बचा, बीटा माइनस अल्फा मीन्स डिफरेंस ऑफ रूट्स, इसके रूट्स का क्या है डिफरेंस, और वो डिफरेंस ऑफ रूट्स किसके इक्वल होता है, अंडर रूट डी बाई ए। ठीक, तो वहां से ये आ जाएगा अंडर रूट 5। ठीक है, ठीक, आ गया। आ जाओ, वेविक और मेथड या मेथड ऑफ इंटरवल, मेथड ऑफ इंटरवल। या वेवी कर्व मेथड भी कहते हैं उसको। चलो, उसके पहले हमें ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट क्या होते हैं उसके बारे में जानना। तो लिख लो ओपन ब्रैकेट, ठीक है, तो लिखो यहां पे इफ, एंड मेरे ख्याल से नंबर लाइन सभी को रीड करना आता होगा, जैसे इधर ये कहां से शुरू होता है, माइनस इंफिनिटी से, और जाता कहां तक है, प्लस इंफिनिटी तक। इधर पहले 0 से यहां तक सारी वैल्यूज निगेटिव है, 0 तक, है ना, फिर उसके बाद वैल्यू बढ़ते बढ़ते कहां तक जाती है, इंफिनिटी तक जाती है। ठीक, हाईएस्ट नंबर हमेशा कौन से साइड, जैसे ए और बी है, बी अगर बड़ा है तो बी हमेशा इधर आएगा और ए इधर आएगा, बी अगर बड़ा है तो। ये तो सभी लोगों को आता होगा नंबर लाइन का, उसी का यूज करते हुए आगे लिखो ओपन ब्रैकेट में। ओपन ब्रैकेट क्या होता है, हाँ, तो यहाँ पे लिखो इफ इफ वी वांट वैल्यूज, इफ वी वॉन्ट वैल्यूज वैल्यूज ऑफ एक्स, इफ वी वॉन्ट वैल्यूज ऑफ एक्स, वैल्यूज ऑफ एक्स विच लाइज बिटवीन ए एंड बी, ब्रैकेट में लिख लेना बी इज ग्रेटर देन ए, बी इज ग्रेटर देन ए, वेयर ए एंड बी इज नॉट इंक्लूडेड, वेयर ए एंड बी इज नॉट इंक्लूडेड, देन, तो इसको देखो रिप्रेजेंट करने का नंबर लाइन वाला एक तरीका होता है। ये नंबर लाइन है, यहाँ पे बी इधर आएगा, ए इधर आएगा, बी ए से बड़ा है तो बी इधर, ए इधर। अब हमें यहाँ पे ए एंड बी के बीच की वैल्यूज चाहिए जिसमें ए एंड बी आर नॉट इंक्लूडेड, नॉट इंक्लूडेड है ए एंड बी, तो इसको हम क्या कर देंगे, हॉलो सर्कल बना लेंगे, यहाँ पे इंक्लूडेड नहीं है। तो ये हॉलो सर्कल का मीनिंग क्या रहेगा, इन पॉइंट्स को इंक्लूड नहीं किया गया है। अब हमें वैल्यूज कौन सी चाहिए जो ए एंड बी के बीच में लाई करती है, मतलब ये वाले इंटरवल की वैल्यूज चाहिए जो ए एंड बी के बीच में लाइज कर रही है। ठीक है,
यहाँ पे ए एंड बी को इंक्लूड नहीं करना था तो हॉलो सर्कल दिया जाएगा। अब इसी को रिप्रेजेंट करने का दूसरा तरीका देखो, इंटरवल वाला ओपन ब्रैकेट के तरीके से कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। एक्स किसके बीच में लाई करेगा, एक्स बिलोंग्स टू, ये बिलोंग्स टू का साइन है, एक्स बिलोंग्स टू ए टू बी। अब यहाँ पे ए एंड बी को इंक्लूड नहीं करना है तो इनके ऊपर हम ओपन ब्रैकेट या सर्कुलर ब्रैकेट लगा देंगे, ओपन ब्रैकेट या सर्कुलर ब्रैकेट है, सर्कुलर ब्रैकेट लगा देंगे। ठीक है, तो इसको कैसे रीड करेंगे हम, ओपन ए टू ओपन बी, ओपन ए टू ओपन बी रीड करेंगे। इसका मीनिंग क्या रहेगा, हमें एक्स की कौन सी वैल्यूज मिल रही है, जो ए एंड बी के बीच में लाई करती है एंड जहां पे ए एंड बी इंक्लूडेड नहीं है। ठीक है, नंबर लाइन के ऊपर उसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, इंटरवल के फॉर्म में उसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। एंड तीसरा तरीका है उसको रिप्रेजेंट करने का, एक्स जो है वो क्या होना चाहिए, बी से छोटा होना चाहिए एंड ए से बड़ा होना चाहिए। मतलब जो भी एक्स की वैल्यू आएगी वो एन ए के बीच की, ए एंड बी के बीच की चाहिए हमें, तो वो वैल्यू बी से तो छोटी रहेगी एंड एक्स से बड़ी रहेगी, तो एक्स लेस देन बी एंड ग्रेटर देन ए। तो ये तीसरा तरीका इसको रिप्रेजेंट करने का। ठीक है, अगेन देख लो यहाँ पे, इफ वी वॉन्ट वैल्यूज ऑफ एक्स बिटवीन लाइज बिटवीन ए एंड बी, ए एंड बी के बीच में लाई करने वाली वैल्यूज चाहिए जहां पे ए एंड बी आर नॉट इंक्लूडेड, तो इंक्लूडेड नहीं है नंबर लाइन के ऊपर उसको दिखाना है तो इस तरीके से, ए एंड बी इंक्लूडेड नहीं है एंड ए एंड बी के बीच की वैल्यूज चाहिए, उसको इंटरवल के फॉर्म में लिखना है। तो ये देखो, एक्स बिलोंग्स टू ओपन ए टू ओपन बी, इसका मीनिंग क्या रहेगा, ए एंड बी के बीच के वैल्यूज एंड ए एंड बी आर नॉट इंक्लूडेड। तो ये है, या तो उसको रिप्रेजेंट करने का यह तीसरा तरीका है, एक्स ए एंड बी के बीच में लाई करना चाहिए। ठीक है, अब दूसरा है क्लोज ब्रैकेट। क्लोज ब्रैकेट या क्लोज इंटरवल भी बोल सकते हैं हम इसको। ठीक, तो इसमें लिख लो, इफ वी वांट वैल्यूज ऑफ एक्स विच लाइज बिटवीन ए एंड बी वेयर A and B are included, then ये देख लो, अब नंबर लाइन के ऊपर ये A, ये B, A and B को इंक्लूड करना है तो यहाँ पे डार्क डॉट दे देना है, तो इसका मीनिंग क्या रहेगा, A and B included है एंड इसके बीच की भी वैल्यूज हमें चाहिए, तो ये इंटरवल के इसके फॉर्म में आएगा नंबर लाइन के ऊपर। फिर अगर उसको ऐसे लिखना है ब्रैकेट के फॉर्म में, तो ए एंड बी के बीच के वैल्यूज तो चाहिए हमें एंड यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट आ जाएगा, या तो स्क्वेयर ब्रैकेट बोल सकते हो तुम इसको, नहीं करली नहीं, स्क्वेयर ब्रैकेट आएगा। ठीक है, इसी को हम बोलेंगे क्लोज ए टू क्लोज बी। इस स्क्वेयर ब्रैकेट का मीनिंग क्या है, यहाँ पे ए इंक्लूडेड है एंड बी भी इंक्लूडेड है, और इसको रीड कैसे करेंगे, क्लोज ए टू क्लोज बी। ठीक है, क्लोज ए टू क्लोज बी। एंड तीसरा इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है, एक्स जो है
वो बी एंड ए के बीच में लाई करना चाहिए, लेकिन यहाँ पे अब लेस देन और इक्वल टू आएगा क्योंकि एक्स इक्वल टू बी हो सकता है एंड ग्रेटर देन और इक्वल टू, ये जो साइन है इसका मीनिंग क्या है, या तो लेस देन और इक्वल टू, इसका है ग्रेटर देन और इक्वल टू, क्योंकि यहाँ पे ए एंड बी आर इंक्लूडेड है, इसका मतलब एक्स बी हो सकता है ए भी हो सकता है, उसकी वजह से यहाँ पे नीचे में एक इक्वलिटी भी आ जाएगी, ठीक है। तो ये तीसरा तरीका इसको रिप्रेजेंट करने का। क्लियर है ये? या तो इसको तुम इंटरवल ही कर लो, ये नाम में से यहाँ पे इंटरवल ही कर लेना, ये ओपन इंटरवल एंड क्लोज इंटरवल वो ज्यादा बेटर है, इंटरवल एंड यहाँ पे क्लोज इंटरवल, ये कर लेना। तो ये तीन है, तो अब मान लो ऐसा लिखा हुआ है x belongs to open a to close b, इसका मीनिंग क्या रहेगा तुम बताओ, कौन बताएगा इसका मीनिंग, open a to close b, अगर ऐसा लिखा हुआ है कहीं पे इसका मीनिंग। हाँ वो तो है, x less than or equal to b greater than a, इसको भी ऐसे भी लिख सकते हैं हम, a is not included b is included, सही है, and a and b के बीच की तो वैल्यूज आएगी है ना, हमें a and b के बीच की वैल्यूज चाहिए जिसमें a included नहीं है and b included है, तो उसको रिप्रेजेंट करना है तो वो इस तरीके से आएगा। इसको नंबर लाइन के ऊपर दिखाना है तो कैसे, ये b के ऊपर डायग डॉट, a के ऊपर हॉलो, इसके बीच के वैल्यूज, तो इस तरीके से नंबर लाइन के ऊपर भी दिखा देंगे, ठीक। फिर उसके बाद नेक्स्ट हम लिखते हैं इनफाइनाइट इंटरवल थर्ड, इनफाइनाइट इंटरवल, प्रीवियस स्क्रीन, हाँ देख लो ये, हो गया, चलो ठीक आ गया। अब इनफाइनाइट इंटरवल वो क्या होता है, मतलब एक तरफ किसी एक तरफ इंफिनिटी आना चाहिए, ऐसे इंटरवल को हम इनफाइनाइट इंटरवल कहते हैं। तो इसमें पहला लिखो, इफ वी वांट वैल्यूज ऑफ एक्स ग्रेटर देन ए वेयर ए इज इंक्लूडेड, वेयर ए इज इंक्लूडेड देन, तो ये देख लो इसको हम कैसे लिखेंगे, ए से बड़ी चाहिए, तो इसमें एक ही नंबर है, तो ए से बड़ी चाहिए, ए इंक्लूडेड है तो ए के ऊपर डार्क, और ए से बड़ी कौन से रीजन में आएगी वैल्यूज, ये राइट हैंड साइड वाले में, मतलब हमें ये वाला रीजन चाहिए, ठीक। तो ये नंबर लाइन के ऊपर इसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। अब ब्रैकेट के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है तो वो कैसे आएगा, क्लोज ए टू, कहां तक जा रहे हैं हम, इधर राइट हैंड साइड में इंफिनिटी तक जाएंगे, और एक इंफिनिटी एक नॉट डिफाइंड क्वांटिटी है, उसके वजह से इसके ऊपर हमेशा ओपन ब्रैकेट आएगा, इंफिनिटी के ऊपर हमेशा ओपन ब्रैकेट आएगा, ठीक है। एंड इसको अगर लिखना है तीसरा फॉर्म जो होता है हमारा, उसको लिखेंगे कैसे, एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू ए,
और वो अपने आप अंडरस्टूड है कि हम ए से बड़े कहां तक जा रहे हैं, इन्फिनिटी तक जा रहे हैं। तो ये नहीं भी लिखोगे तब भी चल जाएगा, बस यहाँ पे क्या है x ग्रेटर देन और इक्वल टू a। हाँ बोलो। क्लियर है ये वाला? सर वो लास्ट का रिपीट करो ना, ये वाला इसमें भी। इसमें ये था कि हमें x क्या चाहिए था, a से बड़ा या तो a के इक्वल हो सकता है, तो ग्रेटर देन और इक्वल टू a। और ये अपने आप अंडरस्टूड है कि हम जा कहां तक रहे, अब आगे इन्फिनिटी तक जाएंगे, ठीक है? तो वो इन्फिनिटी वहां पे नहीं भी लिखोगे तब भी चलेगा। सर इसके पहले का वो थाने का सेकंड नंबर का वो वाला, सेकंड नंबर का। तो इसमें देखो क्या है, हमें x की कैसी वैल्यू चाहिए जो a से बड़ी है, a के इक्वल या a से बड़ी है। तो इसमें देख लो, ये वाला रीजन हमें चाहिए था नंबर लाइन के ऊपर, ठीक है? इसको अगर इंटरवल के फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे, a टू कहां तक जा रहे हैं हम आगे, इधर इधर क्या होता है, इन्फिनिटी होता है, तो a टू इन्फिनिटी जा रहे हैं, ठीक है? अब a को इंक्लूड करना है, यहाँ पे डार्क डॉट है तो उसके ऊपर तो क्लोज ब्रैकेट आएगा, और इन्फिनिटी एक नॉट डिफाइंड क्वांटिटी होती है, तो उसके वजह से यहाँ पे हमेशा ओपन ब्रैकेट देना है, ठीक है? फिर उसके बाद अगला तुम्हारे लिए है, तीनों तरीके से तुम इसको रिप्रेजेंट करना। इफ वी वांट द वैल्यूज ऑफ एक्स, वैल्यूज ऑफ एक्स विच इज वैल्यूज ऑफ एक्स लेस देन ए, लेस देन ए वेर ए इज नॉट इंक्लूडेड, वेर ए इज नॉट इंक्लूडेड, तो तुम बताओ इसको कैसे करेंगे। हम तीनों तरीके से रिप्रेजेंट करके दिखाओ, नंबर लाइन के ऊपर भी, फिर उसके बाद इंटरवल के फॉर्म में। सर आपने वो सेकंड नंबर का एक्सप्लेन किया था ना, हाँ, उसका रीडिंग कैसे करना है? इसको रीड ऐसे करेंगे हम, ये देख लो, क्लोज ए टू ओपन इन्फिनिटी, ऐसे रीड करेंगे, ठीक है? क्लोज ए टू ओपन इन्फिनिटी, यस सर। अच्छा कौन सा पेज, ओपन ब्रैकेट वाला पेज, ठीक है यहाँ पे देख लो, ओपन ब्रैकेट वाला पेज, या तो ओपन इंटरवल बोल लेना इसको, नॉट इंक्लूडेड तो वहां पे हॉलो सर्कल से उनके ऊपर, ठीक है? हाँ सही है क्वेश्चन। यहाँ पे देख लो, नंबर लाइन के ऊपर दिखाना है तो ये ए आएगा, इसको इंक्लूड नहीं करना है तो हॉलो सर्कल। अब एक्स हमें ए से छोटा चाहिए, मीन्स ये वाला रीजन, ठीक है? अब उसके बाद इसको इंटरवल के फॉर्म में कैसे लिखेंगे हम, माइनस इंफिनिटी टू ए। अब इंफिनिटी भी एक नॉट डिफाइंड क्वांटिटी, तो इसके ऊपर भी ओपन और यहाँ पे भी ओपन, तो इसको रीड कैसे करेंगे, ओपन माइनस इंफिनिटी टू ओपन ए, ओपन माइनस इंफिनिटी टू ओपन ए, इस तरीके से इसको रीड करेंगे। एंड तीसरा कैसे रिप्रेजेंट करेंगे उसको, एक्स लेस देन ए, इन तीनों तरीके से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है? तो अगला है अब थर्ड। जैसे हमने देख लिया हमें क्या चाहिए, मतलब ये पहले वाले में हमने क्या देखा था, हमें ए एंड बी के बीच की वैल्यू चाहिए जिसमें ए एंड बी आर नॉट इंक्लूडेड। फिर उसके बाद हमने देखा हमें ए एंड बी की वैल्यूज भी चाहिए एंड जहां पे ए एंड बी आर इंक्लूडेड, ये भी हमने देख लिया।
अब उसके बाद, और तीसरा ये इनफाइनाइट इंटरवल हो गया, उसके बाद अब चौथा, फोर्थ में लिख लेना डिस्क्रीट सेट है, डिस्क्रीट सेट, तो इसमें लिख लो इफ वी वांट, इफ वी वांट ओनली If we want only या तो ऐसे लिखो, if we want particular values of x, या तो उसी के फॉर्म में लिखना है तो only a and b, if we want only two values of x only two values of x a and b है वो, which are a and b, तो इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, x is equal to या तो a and b आएगा, ये तो तरीका है ही हमारे पास, या तो उसको लिखेंगे तो कैसे, curly bracket a and b, ठीक है, curly bracket a and b, तो इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट करेंगे। ये तो वो ए एंड बी इसके लिए लिख लिया। अगर हमें अगर तीन वैल्यू चाहिए सिर्फ, इफ वी वांट ओनली थ्री वैल्यूज ऑफ एक्स ए बी सी, तो उसको कैसे लिखेंगे हम, एक्स बिलोंग्स टू कर्ली ब्रैकेट ए बी सी, तो इसका मीनिंग क्या रहेगा यहाँ पे, एक्स बस तीन वैल्यूज ले सकता है, ए बी एंड सी, अगर तीन वैल्यूज चाहिए। यहाँ पे एक्स कितनी वैल्यूज ले सकता है, सिर्फ दो वैल्यूज ए एंड बी, ठीक है, तो एक तरीके से इसको डिस्क्रीट सेट बोला जाता है। हमें अगर पर्टिकुलर वैल्यू चाहिए तो इसको हम यूज करते हैं, जैसे तीन वैल्यू चाहिए, सिर्फ चार वैल्यू चाहिए, तो उस केस में इस कर्ली ब्रैकेट को यूज करेंगे हम, ठीक है। तो ये देख लो, अब हमारे पास तीन तरीके हैं, ये ओपन ए टू ओपन बी, क्लोज ए टू क्लोज बी, एंड कर्ली ब्रैकेट ए एंड बी। तो ये तीनों के अलग अलग मीनिंग है। इसका मीनिंग क्या है, पहले वाले का, हमें वैल्यू चाहिए ए एंड बी के बीच की, जहां पे ए एंड बी आर नॉट इंक्लूडेड। इसका मीनिंग क्या है, हमें वैल्यू चाहिए ए एंड बी के बीच की, जहां पे ए एंड बी आर इंक्लूडेड। एंड इसका मीनिंग क्या है, हमें सिर्फ दो वैल्यू चाहिए, वो कौन सी, ए एंड बी, ठीक है। तो ये इंटरवल्स हो गए, पहला वाला ओपन इंटरवल, क्लोज इंटरवल, फिर उसके बाद ये डिस्क्रीट सेट इसको बोलेंगे, फिर वो इनफाइनाइट इंटरवल भी हमने देख लिया, अगर एक तरफ इंफिनिटी आ रही तो उसको इनफाइनाइट इंटरवल बोलेंगे। तो चलो अब इसके क्वेश्चन देख लेते हैं, कैसे पूछे जाते हैं इनइक्वलिटी को सॉल्व करना। तो ये देख लो, क्वेश्चन है एक्स माइनस वन ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, ठीक है, ये क्वेश्चन है। अब इसको देखो कैसे करते हैं हम, एक्स की कौन सी वैल्यूज है, मतलब एक तरीके से हमें क्या करना है, यहाँ पे एक्स की कौन सी वैल्यूज है जो इसको सेटिस्फाई कर रही है वो निकालना है, ठीक, x की कौन सी वैल्यूज है जो इसको सेटिस्फाई कर रही है वो निकालना है। तो यहां पे देख लो, ये कहां पे जीरो होता है, आवाज आ रही है ना मेरी, हाँ, तो ये चीज बताओ, ये इनइक्वलिटी को भूल जाओ, तुम इनइक्वलिटी को भूल जाओ, बस मुझे ये बताओ ये कहां पे जीरो होता है, कौन से x के लिए जीरो होता है, वन के लिए, तो यहाँ पे इसको इसका क्रिटिकल पॉइंट बोला जाता है, क्रिटिकल पॉइंट क्या है यहाँ पे, x इज इक्वल टू वन, ठीक है, x इज इक्वल टू वन है, ध्यान से सुनना क्या कर रहा हूं मैं, क्रिटिकल पॉइंट इसका x इज इक्वल टू वन है इसका। अब इसको हमने नंबर लाइन के ऊपर प्लॉट किया, अब उसके बाद हम देखेंगे क्या हम x की वैल्यू वन ले सकते हैं क्या, हमने x की जगह पे वन पुट किया,
वॉइस ब्रेक हो रही है ऐसा तो होना चाहिए। नेटवर्क प्रॉब्लम क्यों आ रहा है? एक मिनट आ अब आवाज आ रही है। यस सर। चलो इसको मैं फिर से बता देता हूँ। ये इनइक्वलिटी है तो इसमें क्या करना है, हमें हमेशा एक तरफ जीरो होना चाहिए, इसका ध्यान रखना है। तो यहाँ पे तो जीरो है एक तरफ, ठीक है, एक तरफ जीरो होना चाहिए। अगर नहीं होगा तो हम लाएंगे वहां पे जीरो और फिर इसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे ऑलरेडी एक तरफ जीरो है तो हो गया काम खत्म। अब सिर्फ इसको देखेंगे, ये वाली चीज जो है, ठीक है। तो इसमें ये जीरो कहाँ पे होती है? x इज इक्वल टू वन पे। तो इसका क्रिटिकल पॉइंट जो है वो है यहाँ पे x इज इक्वल टू वन। अब इस x इज इक्वल टू वन को हम नंबर लाइन के ऊपर प्लॉट करेंगे, ठीक है। अब हमें देखना है कि क्या हम x इज इक्वल टू वन ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं। तो x की जगह पे इसमें तुम जीरो पुट करो, x की जगह पे जीरो पुट करो, x की जगह पे सॉरी वन पुट करो, वन x की जगह पे वन पुट किया तो ये क्या आ जाएगा, जीरो ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। क्या ये पॉसिबल है? क्या क्या ये ट्रू है क्या, बताओ पहले। जीरो ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, ऐसा लिखा हुआ है तो क्या ये सही है? क्या सही है ये? इसका मीनिंग बता देता हूं, ये क्या है जीरो और इसका मीनिंग है या तो ग्रेटर देन या इक्वल टू, दोनों में से कोई एक भी हो सकता है, ग्रेटर देन या इक्वल टू। तो जीरो ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो सही है, ठीक है, ये वाली चीज करेक्ट है यहाँ पे। अगर जीरो इक्वल टू जीरो वो तो सही है ही, लेकिन अगर ऐसा भी लिखा हुआ मिलेगा कहीं पे जीरो ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो तो वो भी करेक्ट है, क्योंकि इसका मीनिंग क्या रहता है यहाँ पे, ग्रेटर देन और इक्वल टू। तो दोनों में से कोई एक अगर भी होल्ड कर गया तो भी सही है ये, तो यहाँ पे इक्वलिटी तो होल्ड करती है ना, जीरो इक्वल टू जीरो, तो इसकी वजह से ये करेक्ट है। तो हमने अगर x की जगह पे जीरो पुट किया तो क्या वो इस इनइक्वलिटी को सेटिस्फाई करता है क्या, ये बताओ। x की जगह पे वन पुट किया हमने, x की जगह पे वन, तो क्या हो जाएगा, ये जीरो आ जाएगा, एंड जीरो ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो आएगा, इसका मतलब इनइक्वलिटी को सेटिस्फाई करता है, तो इसको हम इंक्लूड करेंगे, इसको हम इंक्लूड करेंगे, ठीक। अब उसके बाद वन से बड़ा कोई भी नंबर ले लो, तुम वन से बड़ा कोई भी नंबर ले लो और यहां पे पुट करो, ये एक्स माइनस वन का साइन क्या आएगा, पॉजिटिव, पॉजिटिव आएगा, तो यहां पे इस तरफ पॉजिटिव लगा देंगे हम, ठीक है। एंड अगर वन से छोटा कोई भी नंबर ले लिया हमने, वन से छोटा कोई भी नंबर ले लिया और यहाँ पे पुट किया, तो x माइनस वन कैसा आएगा, निगेटिव आएगा, ठीक है, x माइनस वन निगेटिव आएगा। अब हमें x माइनस वन कैसा चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो मीन्स पॉजिटिव, पॉजिटिव चाहिए, positive. तो इसका मतलब हमें ये वाला इंटरवल चाहिए, तो यहां से x क्या आ जाएगा, बिलोंग्स टू क्लोज वन टू इन्फिनिटी, या तो x ग्रेटर देन और इक्वल टू वन। वैसे ये तो हम डायरेक्टली भी कर सकते थे, वन को इधर लेके आ जाते तो हमें दिख जाता x ग्रेटर देन और इक्वल टू वन, ठीक है। लेकिन अभी क्या है, अगला क्वेश्चन जो इसमें हम मैं दो दो के प्रोडक्ट लेने वाला हूँ, दो फैक्टर का प्रोडक्ट, तो उसमें यही काम में आने वाला है जो अभी मैंने बताया। तो इसमें क्या करेंगे, पहले ये कहाँ पे जीरो, एक तरफ तो जीरो होना चाहिए, पहले ध्यान रखेंगे इनइक्वलिटी के एक तरफ जीरो होना चाहिए, फिर उसके बाद ये वाला फंक्शन कहाँ पे जीरो होता है इसके बारे में सोचेंगे। तो ये जीरो होता है x इज इक्वल टू वन पे, तो वो उसका क्रिटिकल पॉइंट है, यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्रिटिकल पॉइंट वन है, उसको हमने नंबर लाइन के ऊपर प्लॉट किया। फिर उसके बाद देखेंगे क्या वन को इंक्लूड करना है या नहीं करना है। तो इसके लिए क्या करना, तुम
इस इनइक्वालिटी में x की जगह पे 1 पुट करो तो हमें क्या मिलेगा, 0 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो सही है, वो करेक्ट है, मतलब 1x इज इक्वल टू 1 इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहा है, तो उसको हम इंक्लूड करेंगे। तो डार्क डॉट, फिर उसके बाद 1 से बड़ा हमने कोई भी नंबर ले लिया और उसको यहाँ पे पुट किया, तो x माइनस 1 का साइन आता है पॉजिटिव, तो ये x माइनस 1 का साइन इधर पॉजिटिव। फिर उसके बाद 1 से छोटा कोई भी नंबर लिया और इसमें पुट किया तो x माइनस 1 का साइन निगेटिव, तो यहाँ पे ये निगेटिव। अब हमें x माइनस 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 चाहिए, मतलब कैसा चाहिए, पॉजिटिव, तो ये वाला रीजन चाहिए था हमें। तो ये देख लो, x इवन टू इनफिनिटी एन एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 आ जाएगा, ठीक है। क्लियर है अभी ये? यस सर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारे लिए, स्टेप वाइज बढ़ रहे हैं हम, बेसिक क्वेश्चन से शुरुआत कर रहे हैं, फिर उसके बाद टफ के ऊपर भी जाने वाले हैं, उसके बाद अगला तुम करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारे लिए, x प्लस 1 लेस देन 0, x प्लस 1 लेस देन 0, तो हमें x बताना है जो इसको सेटिस्फाई कर रहा है। इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या है? माइनस वन। तो जल्दी जल्दी करो अब इसको। चलो ठीक है, तो यहाँ पे इसका क्रिटिकल पॉइंट है, माइनस वन, उसको नंबर लाइन के ऊपर हमने दे दिया। क्या इसको इंक्लूड करना है क्या आप? नहीं सर, नहीं करना है, क्योंकि हमने x की जगह पे जब माइनस वन पुट किया तो जीरो लेस देन जीरो आएगा, वो तो पॉसिबल नहीं है ना, तो उसकी वजह से यहाँ पे क्या, हॉलो सर्कल। फिर हमने माइनस वन से बड़ा कोई भी नंबर ले लिया, मतलब x की जगह पे पुट करने के लिए, तो ये x प्लस वन कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। एंड माइनस वन से छोटा कोई भी नंबर ले लिया x की जगह पे पुट करने के लिए, तो x प्लस वन कैसा आएगा, निगेटिव आएगा। और अब हमें x प्लस वन कैसा चाहिए था, माइनस ही चाहिए था, तो ये वाला रीजन। तो यहाँ पे x आ जाएगा माइनस इंफिनिटी टू माइनस वन, ओपन ब्रैकेट माइनस इंफिनिटी टू ओपन माइनस वन, ठीक है, ये आ जाएगा। या तो उसको कैसे लिखेंगे हम, x लेस देन माइनस वन ऐसे भी लिखेंगे। तो ये तीन तरीके इसको रिप्रेजेंट करने के, ठीक है। अब ये तो एक के लिए तो आसान था, वो तो डायरेक्टली भी हम बता सकते थे, लेकिन ये बताने के पीछे का रीजन अब देखो, यहाँ पे दो का प्रोडक्ट है और एक तरफ जीरो है, एक तरफ तो जीरो रहेगा स्टार्टिंग के क्वेश्चंस में, उसके बाद अब बाकी का भी देख लेंगे आगे जैसे जैसे जाएंगे। तो इसमें क्रिटिकल पॉइंट्स कितने हैं? दो। तुम बताते जाओ, मैं लिखता जाऊंगा। क्रिटिकल पॉइंट x इज इक्वल टू 1 एंड 2, ठीक है। फिर उसके बाद इसको हमने नंबर लाइन के ऊपर प्लॉट किया। अब तुम बताओ, यहाँ पे 2 को इंक्लूड करना है क्या? यस सर, क्योंकि x की जगह पे हम 2 पुट करेंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा, तो 0 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 करेक्ट है, मतलब x इज इक्वल टू 2 इसको सेटिस्फाई करता है। फिर उसके बाद x की जगह पे 1 देखेंगे हम, 1 को इंक्लूड करना है कि नहीं करना है वो देख रहे हैं, तो x की जगह पे 1 पुट करेंगे तो ये 0 आ जाएगा, 0 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ये भी ट्रू है, मतलब 1 भी सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसको भी इंक्लूड करना है, ठीक है। अब ये देखो, 2 से बड़ा कोई भी नंबर ले लो तुम और उसको x की जगह पे पुट करो, तो लेफ्ट हैंड साइड वाले का साइन बताओ क्या है, इसका साइन पॉजिटिव। 2 से बड़ा हमने कोई भी नंबर ले लिया और x की जगह पे पुट किया, तो ये 2 से बड़ा नंबर है, ये भी 2 से बड़ा नंबर है, तो ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, दोनों का प्रोडक्ट
पॉजिटिव, वन एंड टू के बीच का कोई नंबर लिया है और यहां पे पुट किया है, तो प्रोडक्ट कैसा आएगा इसका? नेगेटिव। मतलब इसके बीच में कोई भी तुम नंबर ले लो उठा के, कोई भी एक्स की वैल्यू ले लो और यहाँ पे पुट करो, इसका साइन कैसा आने वाला है? नेगेटिव। फिर माइनस, इसके बाद वन से छोटे में इसका साइन कैसा आएगा? मतलब वन से बड़ा, वन से छोटा कोई भी नंबर ले लो और यहाँ पे पुट करो, नेगेटिव नेगेटिव और ये नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव। वन से छोटा कोई भी नंबर ले लो तुम और यहाँ पे पुट करो एक्स की जगह पे, तो इसमें इसका साइन नेगेटिव आ जाएगा और इसका भी साइन नेगेटिव आएगा, लेकिन दोनों का प्रोडक्ट नेगेटिव इनटू नेगेटिव पॉजिटिव, तो पूरे ओवरऑल फंक्शन का साइन क्या रहेगा? वन से छोटे में पॉजिटिव रहेगा, टू से बड़े में इसका साइन कैसा रहेगा? पॉजिटिव, क्योंकि टू से बड़े में कोई भी नंबर ले लो तुम और यहाँ पे पुट करो तो दोनों पॉजिटिव, दोनों का प्रोडक्ट पॉजिटिव। वन से टू के बीच में इसका साइन निगेटिव रहेगा, क्योंकि इसके बीच में कोई भी नंबर हम लेंगे और एक्स के जगह पे पुट करेंगे तो इन दोनों का प्रोडक्ट निगेटिव आता है, क्योंकि उसमें ये निगेटिव रहेगा ये पॉजिटिव रहेगा, तो पॉजिटिव इंटू निगेटिव निगेटिव। एंड वन से छोटे में क्या हो जाएगा? दोनों के दोनों निगेटिव आ जाएंगे तो दोनों का प्रोडक्ट पॉजिटिव। अब ये बताओ हमें इसका साइन कैसा चाहिए? पॉजिटिव। पॉजिटिव साइन, इसका मतलब ये वाला रीजन चाहिए एंड ये वाला रीजन चाहिए, पॉजिटिव वाला रीजन। तो इसको देखो कैसे लिखेंगे हम, x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू कहां तक? वन तक, एंड वन के ऊपर क्लोज ब्रैकेट क्योंकि उसको इंक्लूड किया गया है। फिर उसके बाद टू टू इंफिनिटी, क्लोज टू टू इंफिनिटी, एंड इन दोनों के बीच में हम लगा देंगे यूनियन का साइन, ठीक है, यूनियन का साइन लगा देंगे क्योंकि आइदर दिस हो या दिस, तो इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट करेंगे। या तो इसको लिखने का तरीका देख लो, एक्स क्या होना चाहिए? लेस देन और इक्वल टू वन। यूनियन मीन्स ये देखेंगे, या तो तुम्हें पता भी होगा यूनियन मीन्स और होता है, पता है क्या ये? है ना, इंटरसेक्शन मीन्स एंड होता है, यूनियन मीन्स और होता है, तो उसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो। मेरे ख्याल से सेट्स में यूनियन इंटरसेक्शन सभी को पता होगा, ऐसा कोई है क्या जिसको नहीं पता है? नहीं सर। ठीक है, तो यहाँ पे ये यूनियन आएगा, तो इसको सेटिस्फाई करने वाला एक्स क्या है? ये वाला, उसको हम ऐसे नंबर लाइन के ऊपर दिखा सकते हैं, ये इंटरवल के फॉर्म में दिखा सकते हैं, या तो इस तरीके से दिखा सकते हैं। और एक चीज ध्यान रखना, ये क्रिटिकल पॉइंट के लिए क्या होना जरूरी है, ये जो फैक्टर्स आते हैं ना वो x में लीनियर होना जरूरी है, x में लीनियर होने चाहिए। जैसे अभी तक पहला वाला क्वेश्चन देखा हमने, ये भी x में लीनियर ही है, फिर दूसरा वाला ये भी x में लीनियर ही है फैक्टर, इसमें भी भले ही दो का प्रोडक्ट है लेकिन ये दोनों अलग अलग देखेंगे तो ये भी x में लीनियर, ये भी x में लीनियर। फिर अगला क्वेश्चन है अब तुम्हारे लिए, इसका तुम्हें बताना है, x माइनस वन एक्स प्लस वन लेस देन जीरो, तो इसका बताओ तुम आंसर हो, कौन सी एक्स की वैल्यूज है जो इसको सेटिस्फाई करेगी?
हाँ क्रिटिकल पॉइंट्स माइनस वन एंड वन वो तो है, आगे बढ़ो, मुझे एक्स की वैल्यू बताओ जो इसको सेटिस्फाई कर रही है। हाँ सही है क्वेश्चन, और किसी का? नहीं यश गलत है, आर्या सही है तुम्हारा। चलो देखो अब यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट्स, पहले क्रिटिकल पॉइंट्स, तो वो है यहाँ पे माइनस वन एंड वन, इनको हमने नंबर लाइन के ऊपर प्लॉट किया। सही है अर्चित तुम्हारा। अब उसके बाद हमने देखा इनको इंक्लूड करना है या नहीं करना है, तो एक सिंपल सी चीज अब मेरे ख्याल से तुम लोगों को दिख गई होगी यहाँ पे, जब इक्वल टू आता है यहाँ पे नीचे तब इंक्लूड करना है, जब नीचे इक्वल टू नहीं आता है तब इंक्लूड नहीं करना है। वैसे ही सेम यहाँ पे इक्वल टू था तो इंक्लूड किया, अब यहाँ पे इक्वल टू नहीं है तो दोनों को इक्वल दोनों को इंक्लूड नहीं करेंगे। अब ये थोड़ी ना देखेंगे बार बार पुट कर करके, इसी वजह से मैं स्टेप वाइज जा रहा तुम्हें, क्योंकि चीजें दिखे, क्योंकि पहले वाले में तो इक्वल टू था उसकी वजह से तो हमने इंक्लूड कर लिया, नीचे ये ग्रेटर देन और इक्वल टू है ना, फिर यहाँ पे इक्वल टू नहीं है तो हमने इंक्लूड नहीं किया, यहाँ पे इक्वल टू है तो हमने इंक्लूड किया, यहाँ पे इक्वल टू नहीं है तो हम इंक्लूड नहीं करेंगे, कहाँ थी खत्म, पुट करके थोड़ी ना देखना आप। तो ये हो गया। अब उसके बाद तो ये देखो, वन से बड़ा कोई भी नंबर हम लेंगे और इसमें पुट करेंगे, ये दोनों पॉजिटिव आ जाते हैं, दोनों का प्रोडक्ट पॉजिटिव। माइनस वन एंड वन के बीच का कोई नंबर ले लिया और यहाँ पे पुट किया, तो ये पॉजिटिव आ जाएगा एक्स प्लस वन, लेकिन ये एक्स माइनस वन निगेटिव आएगा, तो दोनों का प्रोडक्ट निगेटिव, मीन्स माइनस वन टू वन में ये क्या रहेगा, निगेटिव रहेगा। एंड फिर उसके बाद माइनस वन से छोटे में ये भी निगेटिव एंड ये भी निगेटिव, इसके इससे छोटी कोई भी वैल्यू तुम यहाँ पे पुट करके देख लो, तुम्हें दिख जाएगा ये भी निगेटिव एंड ये भी निगेटिव, इस इंटरवल में क्या होगा, पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव इनटू नेगेटिव। अब हमें कैसा चाहिए इसका साइन, लेस देन जीरो मीन्स नेगेटिव चाहिए था, मीन्स हमें एक तरीके से ये इंटरवल चाहिए, तो एक्स बिलोंग्स टू क्या आ जाएगा, माइनस वन टू वन, या तो कैसे लिखेंगे उसको, एक्स लेस देन वन एंड ग्रेटर देन माइनस वन, ठीक है, क्लियर है अब ये। फिर उसके बाद अगला एक्स माइनस वन, एक्स माइनस टू, एक्स माइनस थ्री ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, एक तरफ जीरो है, फिर उसके बाद ये तीनों फैक्टर में एक्स का लीनियर फंक्शन है, कोई दिक्कत नहीं, तीनों से क्रिटिकल पॉइंट आएंगे, उनको हम प्लॉट करेंगे। और देखो
सही है कौशल। नहीं आ रहा, एक गड़बड़ सर, सबको इंक्लूड करना है कि नहीं करना है? करना है ना, यहाँ पे इक्वल टू आ गया तो इंक्लूड करना है, अगर यहाँ पे इक्वल टू नहीं रहता तो नहीं करते। चलो देखो अब यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट्स, वन टू थ्री, एक्स इज इक्वल टू वन टू थ्री, ठीक है, इनको हमने नंबर लाइन के ऊपर प्लॉट किया, इनको इंक्लूड करना था, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ग्रेड इक्वल टू है। अब पुट करके नहीं देखेंगे तो जीरो ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो आएगा, पुट करके देखेंगे तो सही है। फिर उसके बाद अब मेरे ख्याल से एक पैटर्न तो तुम लोगों को दिख ही रहा होगा, प्लस माइनस फिर प्लस माइनस प्लस चेंज होता, पहले प्लस फिर माइनस फिर प्लस, यहाँ पे भी देख लो प्लस माइनस प्लस। लेकिन ये ऐसा तभी होता है जब इसमें देखो ये एक्स के सारे सभी में देख लेना, यहाँ पे एक्स का कोएफिशिएंट कैसा है, पॉजिटिव है या निगेटिव है बताओ? पॉजिटिव है। फिर उसके बाद ये x माइनस वन की पावर कितनी है यहाँ पे, वन है, और ये वन कैसा इंटीजर है, इवन या ऑड? इवन, इवन, ऑड, ऑड है ना, ऑड, ऑड है, ठीक। x का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है एंड जहां से मतलब ये वन क्रिटिकल पॉइंट कहां से आ रहा था, ये वन वाला क्रिटिकल पॉइंट यहां से आ रहा था इस वाले फैक्टर से, इसकी पावर कैसी है, ऑड है, तो इसके इधर तो प्लस आएगा एंड ये x माइनस वन की पावर ऑड है, उसके वजह से साइन चेंज हो जाएगा, ऐसे रीड करना इसको। क्रिटिकल पॉइंट वन यहां से आया, इसकी पावर ऑड है तो उसके अबाउट साइन चेंज, प्लस का माइनस हो जाएगा, अगर इधर माइनस रहता तो माइनस का प्लस हो जाता, ठीक। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन ये इसमें हो जाएगा, वो इसकी बात करते हैं, दोनों में पावर देखो कैसी है, ऑड है, दोनों में x का कोएफिशिएंट कैसा है, पॉजिटिव है, ठीक है, तो जो हाईएस्ट क्रिटिकल पॉइंट होता है, अगर दोनों में x का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है तो जो हाईएस्ट क्रिटिकल पॉइंट होता है उसके इधर बिना सोचे समझे पॉजिटिव दे देना, ये मैं चीजें बता रहा हूं ताकि हमें पुट कर करके ना देखना पड़े बार बार, उसी के लिए एक पैटर्न दिखा रहा हूं सोचने का, बस इक्वेशन इसको ही ऑब्जर्व करना हमें, इनइक्वालिटी को सबसे पहले तो क्या एक तरफ जीरो है क्या, फिर उसके बाद क्या ये x में लीनियर फैक्टर्स है क्या, वो हो गया, फिर उसके बाद अब तीसरी चीज क्या चेक करनी है, क्या x के कोएफिशिएंट सब में पॉजिटिव है क्या, वो लिखवाऊंगा मैं वैसे, सब में x के कोएफिशिएंट पॉजिटिव है क्या, तो यहाँ पे x के कोएफिशिएंट पॉजिटिव है तो जो हाईएस्ट क्रिटिकल पॉइंट होगा उसके राइट हैंड साइड में बिना सोचे समझे प्लस दे देना है, ठीक। उसके बाद देखना है कि ये पावर्स, पावर ऑड है, अब ये देखो टू कहां से आता है, इस क्रिटिकल इससे आता है x माइनस टू से, इसकी पावर कैसी है, ऑड है, तो प्लस का माइनस हो जाएगा। फिर उसके बाद वन कहां से आता है, इससे आता है, इसकी पावर कैसी, ऑड है, ठीक है, तो माइनस का प्लस हो जाएगा, साइन चेंज होगा उसके अबाउट, सेम चीज यहां पे भी, ठीक है, एक तरफ जीरो है, x के कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, दो क्रिटिकल पॉइंट माइनस वन एंड वन, तो जो हाईएस्ट क्रिटिकल पॉइंट है उसके उसके इधर राइट हैंड साइड में बिना सोचे समझे प्लस, ठीक। फिर उसके बाद वन कहां से आता है, तो यहां से, इसकी पावर क्या है, ऑड है, तो प्लस का माइनस हो जाएगा उसके अबाउट। माइनस वन कहां से आता है, यहां से, उसकी पावर भी क्या है, ऑड है, तो उसके अबाउट माइनस का प्लस हो जाएगा, साइन चेंज। सेम चीज अब यहाँ पे है, सब में एक्स का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है तो इसके इधर बिना सोचे समझे प्लस, अब वो चेक नहीं करेंगे हम पुट कर करके, वैसे तरीका तो वही है साइन लाने का, थ्री से बड़ा कोई भी नंबर ले लो इसमें पुट करो, तीनों पॉजिटिव तो प्रोडक्ट पॉजिटिव, लेकिन ऐसा थोड़ी ना करेंगे बार बार, कम टाइम में हमें आंसर आना चाहिए ना, तो तीनों का बस कोएफिशिएंट देखा पॉजिटिव है तो प्लस, अब इसमें तीनों में पावर ऑड है
तो x माइनस थ्री कहां से आता है, यहां से इसकी पावर ऑड, तो साइन चेंज। टू कहां से आता है, यहां से इसकी पावर ऑड, तो साइन चेंज। वन कहां से आता है, यहां से इसकी पावर ऑड, साइन चेंज। हमें कौन सा रीजन चाहिए, प्लस वाला, तो ये देख लो यहाँ पे x बिलोंग्स टू वन टू टू यूनियन थ्री टू इंफिनिटी हो गया। साइन अल्टरनेट चलती है लेकिन कब, जब पावर ऑड है तभी। पावर इवन वाला भी लूंगा आगे, तो ये देख लेना इस क्वेश्चन में क्या क्या ऑब्जर्व करना है हमें। एक तरफ जीरो है, फिर उसके बाद सारे फैक्टर एक्स में लीनियर होने चाहिए, सब में एक्स का कोएफिशिएंट पॉजिटिव, तो बिना सोचे समझे राइट हैंड, हाईएस्ट क्रिटिकल पॉइंट के राइट हैंड साइड में प्लस। फिर पावर देखेंगे ऑड, अब ये थ्री जैसे इस वाले इससे आता है, इस फैक्टर से थ्री आता है क्रिटिकल पॉइंट, इसकी पावर ऑड है तो साइन चेंज हो जाएगा। टू यहां से आता है, इसकी पावर ऑड है तो साइन चेंज। वन यहां से आता है, इसकी पावर ऑड है, साइन चेंज। तो प्लस माइनस यहाँ पे बना, ठीक है। अब कितना भी बड़ा रहने दो, वहां पे कितने भी फैक्टर्स रहने दो, मल्टीप्लिकेशन में हम इजीली कर सकते हैं इन पॉइंट्स को ध्यान रखते हुए। क्लियर है ये? यस सर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अब जल्दी से बन जाना चाहिए तुमसे। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, लेस देन और इक्वल टू टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू वन, और x ग्रेटर देन और इक्वल टू थ्री, ये भी लिख लिया करना नीचे, पता ही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारे लिए, उसमें है x माइनस वन का क्यूब। सर पीछे की स्क्रीन दिखाओ ना, दो मिनट। एक मिनट ये क्वेश्चन लिखने दो बस मुझे, क्वेश्चन लिखने दो, स्क्रीन दिखा देता हूं। चलो लिख लिया होगा क्वेश्चन, तो स्क्रीन देख लो पीछे के। हो गया, ये वाला पेज हो गया क्या, बताओ। यस सर, डन। तो ये वाला जल्दी से करो अब। ये बस अंदर वाली चीज देखनी है ना, ये पावर को अभी रहने दो। अंदर वाली चीज क्या, एक्स का लीनियर फैक्टर है क्या, तो सब में वो एक्स का लीनियर फैक्टर एक तरफ जीरो है, सब में एक्स का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, तो जल्दी से इसका आंसर। क्या आया? हाँ सही है, ये माइनस वन टू वन एंड टू टू थ्री सही है। क्लोज माइनस वन टू क्लोज वन, यूनियन क्लोज टू टू क्लोज थ्री सही है। नहीं तनिष्का, तुमने कुछ तो गड़बड़ कर दी है। माइनस वन कहाँ गया तुम्हारा, माइनस वन दिया ही नहीं तुमने। और किसी का आया ये माइनस वन टू वन यूनियन टू टू थ्री, क्लोज ब्रैकेट लगाना वहां पे, ठीक है। ओपन ब्रैकेट लिखा है तुमने ये यहाँ पे, क्योंकि इक्वलिटी है, मतलब वो तो इंक्लूडेड रहेंगे क्रिटिकल पॉइंट्स। ये देख लो, अब इससे डरना मत, ये पावर बहुत बड़ी बड़ी गिवन है, लेकिन सारी पावर मैंने यहाँ पे ऑड ली है, और जो मैंने पॉइंट्स बताए थे उसी से इसको डील करना है। तो क्रिटिकल पॉइंट, सबसे बड़ा क्रिटिकल पॉइंट थ्री, फिर उसके बाद टू वन
माइनस वन, चारों को इंक्लूड करना है ठीक, क्योंकि यहाँ पे इक्वलिटी है। अब सब में x का लीनियर फैक्टर है और सब में x का कोएफिशिएंट कैसा है, पॉजिटिव है, तो प्लस। एंड सबकी पावर अब ऑड है तो साइन तो सबके अबाउट चेंज होना ही है, तो अल्टरनेट प्लस माइनस चलेगा, खत्म हो गई। साइन चेंज नहीं होता है जब पावर इवन होती है, लेकिन यहाँ पे सबकी पावर ऑड है तो सबके अबाउट साइन चेंज होगा ठीक, तो अल्टरनेट प्लस माइनस आएगा और हमें माइनस चाहिए, तो ये वाला रीजन। तो इतने आसानी से ये आंसर आ जाएगा इसका, माइनस वन टू वन यूनियन टू टू थ्री, ठीक है। यस सर, जल्दी से लिखो। ये पावर बड़ी बड़ी कुछ भी रहने दो, बस ऑड है या इवन है ये चेक करना है, उसके अंदर में क्या वो एक्स का लीनियर फैक्टर है या नहीं है वो चेक करना है, एंड सब में एक्स का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है क्या वो चेक करना है। कहानी खत्म हो गई, फिर उसके बाद आंसर आ जाएगा। तो और एक क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में और क्वेश्चन देखेंगे हम। तो ये वाला यहाँ पे एक्स माइनस वन की पावर 2011, फिर उसके बाद x माइनस थ्री पावर 11, x माइनस फोर एंड x प्लस फाइव पावर 21 इज लेस देन जीरो। या ये तो ये ग्रेटर देन जीरो कर लेना, ग्रेटर देन जीरो, ग्रेटर देन जीरो। तो जल्दी से आंसर, मेरे ख्याल से ज्यादा सोचना नहीं पड़ेगा अब इसमें, सारी चीजें वही है, x में लीनियर फैक्टर, सबकी पावर ऑड, सब में x का कोएफिशिएंट पॉजिटिव, तो आंसर बस लिखना है अब इसमें। अब x की वैल्यू बार बार पुट कर करके नहीं देखनी है कि कौन सा पॉजिटिव कौन सा नेगेटिव आएगा, फिर प्रोडक्ट ये वो। आया किसी का? हाँ सही है कौशल, और कोई मैं भी आया हुआ होगा, लिखने में दिक्कत हो रही होगी क्योंकि बहुत बड़ा सा आंसर है सर। यूनियन दो बार देना है क्या? हाँ दो बार यूनियन, क्योंकि तीन इंटरवल्स आते हैं ना, तो दो बार यूनियन। हाँ सही है, चलो यहाँ पे देख लो, सबसे बड़ा क्रिटिकल पॉइंट फोर, फिर थ्री, फिर वन, माइनस फाइव, क्या इनको इंक्लूड करना है क्या? नो सर, नहीं करना है क्योंकि यहाँ पे सिर्फ ग्रेटर देन है। फिर उसके बाद सब में एक्स का कोएफिशिएंट कैसा है, पॉजिटिव है, प्लस। फिर उसके बाद सब में पावर ऑड है तो साइन चेंज तो हर एक के अबाउट होगा, एंड कौन सा रीजन चाहिए, प्लस वाला, मतलब ये वाला रीजन। तो x belongs to क्या आ जाएगा, माइनस इंफिनिटी टू माइनस फाइव यूनियन वन टू थ्री यूनियन फोर टू इंफिनिटी, ठीक है। नहीं आयुष गलत हो गया, तुमने क्लोज ब्रैकेट वगैरह लगा दिया, थोड़ा सा इसका ध्यान रखना तुम, आज इन क्वेश्चंस की फिर से प्रैक्टिस करना ठीक है, और जो मैंने पॉइंट बताया उससे करना कि एक तरफ जीरो होना चाहिए, ऐसे बोल बोल के करना, एक तरफ जीरो होना चाहिए, फिर सारे एक्स में लीनियर फैक्टर होने चाहिए, फिर उसके बाद सब में एक्स का कोएफिशिएंट पॉजिटिव, एंड पावर तो वो डिपेंड करती है, इवन भी हो सकती है। तो यहाँ पे पहले क्रिटिकल पॉइंट्स को हमने प्लॉट किया, यहाँ पे सिर्फ ग्रेटर देन है उसकी वजह से उनको इंक्लूड नहीं करेंगे, हाईएस्ट क्रिटिकल पॉइंट के राइट हैंड साइड में तो प्लस दे देंगे, एंड फिर उसके बाद अल्टरनेट प्लस माइनस आएगा क्योंकि सारी पावर्स ऑड है, एंड फिर उसके बाद प्लस चाहिए था तो प्लस वाला रीजन ले लिया, ठीक है। yeah.
नेक्स्ट अभी तो कोई नहीं है, अभी तो इसके और भी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, ये तो बस अभी एक हुआ है कि उसमें पावर ऑड है, ठीक। जब नेक्स्ट लेक्चर में और हो जाएगा फिर मिक्स क्वेश्चन ही करना बेटर रहेगा मेरे ख्याल से, जब पावर इवन ऑड दोनों होती है, डिनोमिनेटर में कुछ होता है, फिर एक तरफ जीरो नहीं होता है तो क्या करेंगे, तो ये सारी चीजें देखेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में, अभी तो बस इतना ही कर लो तुम, ठीक है। इसे एक बार देख लेना इसको। यस सर।